वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हों और सब स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने लाइफ में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह हुई थी 5 बजे के अराउंड, और मैं 5 बजे से 7 बजे तक थोड़ा सा मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर लग गए अपने घर के कामों में। तो फ्रेंड्स, आपके पास टाइम ज़्यादा हो या नहीं, लेकिन एक चीज़ बहुत मैटर करती है स्टडी के मामले में, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, कि आप 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन आप अगर पॉजिटिव माइंड से, फ्री माइंड से और शांत मन से पढ़ेंगे तो आपके वो 2 घंटे 4 घंटे के बराबर है। क्योंकि जब हमारे पास समय कम रहता है ना, तो हम उस समय को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। और कभी कदाल हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहने के बाद भी जो है ना, हमारा टाइम ऐसे ही इधर उधर चले जाता है, या फिर हम पढ़ाई के टाइम में भी अगर हमें ज़्यादा टाइम मिल जाए ना, तो हम उतने फोकस के साथ नहीं पढ़ पाते हैं कि चलो इतना टाइम है, इतना सारा टाइम है। और अगर हमारे पास कम टाइम भी रहता है ना, तो हम ये ज़्यादा रहते हैं कि नहीं, अभी कम ही टाइम है तो मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो टाइम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आपके पास 8 घंटे 10 घंटे होने ही चाहिए। हाँ, आप कोशिश करो, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो इस चीज़ के लिए भी आपको टेंशन में नहीं आना है। क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए जो है ना, लगातार के 5 घंटे 6 घंटे निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हम बिना कोई टेंशन लिए काम का, बिना कोई कुछ भी सोचे, अगर हम लगातार सोचे कि हम 4 घंटे पढ़ लें, तो ऐसा दिन में तो नहीं हो सकता है। हाँ, आप मॉर्निंग में ही पढ़ सकते हो या फिर नाइट में पढ़ सकते हो, बाकी दिन का तो आपका 1 से 2 घंटे ऐसे ही अगर दे दो तो वही काफ़ी है। तो हम हाउस वाइफ के लिए जो है ना, घर में रह के, घर के कामों को करके, अपने बच्चे को लेके, हर चीज़ों को संभालते हुए जो है ना, स्टडी के लिए टाइम देना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें उसी में कोशिश करनी है कि हम इसी चीज़ों में रह के अपने लिए टाइम कैसे निकाल पाएँ, और जो भी टाइम हमें मिले तो हम उसको पॉजिटिव माइंड से और शांत मन से अच्छे से पढ़ें और अपना 100% दें, तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ना कि हम टाइम के पीछे भागे कि हम इतने घंटे पढ़ने हैं, मैं पढ़ नहीं पाई, मुझे मिला नहीं। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऐसे ही माइंड में प्रेशर बना के रखेंगे ना, तो जो भी टाइम मिलेगा हमें उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो जो भी हमें टाइम मिलता है और हम अपनी कोशिशों से निकालते हैं, तो बस उतने ही टाइम में हमें अपना 100% लगा के अगर पढ़ें तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा, और ना कि हम इधर उधर छोटी मोटी टेंशनों को अपने मन में पाल के रखें। कहते हैं कि शांत मन से आप कुछ भी करो ना, तो कहते हैं बुरे वक्त में ना, आपका शांतिपन जो है ना, वो आपके लास्ट चुनौती की हथियार बनती है। तो मेरे लाइफ में ऐसी बहुत सी जर्नी आई है जो कहते हैं कि मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का। तो क्योंकि सिचुएशन आपको कभी कभी इतना तोड़ देती है कि आप मतलब आपको उठना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लाइफ से, और कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या बचा है, क्या रह गया है, क्या खोना है, क्या पाना है। बट जब तक सांसें हैं, हमें हंस के रो के जीना ही पड़ेगा। तो मेरी भी जर्नी बहुत ऐसी रही है कि बहुत ज़्यादा उस टाइम में टूटी, नर्वस हुई। बट हाँ, जब तक आप खुद सामर्थ्य नहीं रहोगे ना, आपका कोई साथ नहीं देगा, तो आपको खुद ही खड़ा होना है हर सिचुएशन में, खुद ही हिम्मत करके अपने आप को संभालना होगा। तो बस मेरे पास मेरी जो सिचुएशन रही, तो मुझे खुद ही उठना पड़ा और हर सिचुएशन को फेस करके खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा, सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि आपका जब समय ख़राब होना, तो आपका अच्छे अच्छे लोग भी आपका साथ नहीं देते हैं, आपको खुद ही हर चीज़ों को देखना होता है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को खुद ही संवारना होता है।
क्योंकि कहते हैं कि आपकी खुशियों में तो बहुत लोग शामिल हो जाएंगे, लेकिन जब आपका दुख का टाइम रहेगा ना, आपके इम्तिहान का टाइम रहेगा ना, तो सब पीठ दिखा देते हैं आपके अपने अपने भी। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ना, हमें खुद ही स्ट्रांग बन के हर सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, और हमें करना भी चाहिए। तो बस जो भी हमें टाइम मिलता है, बस उसमें हम 100% दें तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ना कि हम टाइम को लेके ज़्यादा प्रेशर बनाएं, क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो या तो हम मॉर्निंग में निकाल पाते हैं, या तो हम नाइट में निकाल पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करती हूँ, और जो भी मुझे टाइम मिल पाता है तो मैं अपना कोशिश करती हूँ, बस मैं अपना 100% दूँ, ताकि मेरे मन में कोई झिझक ना रहे कि मैंने इतना देर अगर मुझे मिला तो मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो टाइम ज़्यादा टाइम को लेकर मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करनी है कि हम अपनी टाइम की क्वांटिटी बढ़ाएं, और जो भी टाइम मिले हम अपना 100% दे के पढ़ें, और जो भी हमने अपना रूटीन बनाया है उसको फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। बट कभी कभी जो है ना, हम लोगों का कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी आए गए गेस्ट, बहुत ऐसी सिचुएशन होती है जो वहाँ पे हमारा रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, हमें फैमिली को भी देखनी है और स्टडी को भी देखनी है, तो हमें हर चीज़ों को देखते हुए कहीं कभी कभी कुछ छूट ही जाता है। तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और हमारे लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और हमारे सपने भी इम्पोर्टेंट है, तो बस दोनों को लेके चल रहा है।